हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। तो चलिए दोस्तों, आज हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स 28 अक्टूबर 2023 की। इसमें आज हम कवर करेंगे बाकी इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स के साथ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की, जिसको कि हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। क्या है? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। और उसके अलावा हम एक स्कीम के भी बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको कि हम कहते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जिसकी लिंक मैंने लास्ट में प्रोवाइड की हुई है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए और फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर लीजिए। ये है मेरा नाम, ये है मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, इन शॉर्ट ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट्स 2023। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, इट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ऑप्शन बी, इट लुक्स एट 6 एनवायरमेंटल टिपिंग पॉइंट्स एक्सिलरेटिंग एक्सटिंक्शंस। दीज आर 6 टिपिंग पॉइंट्स। फर्स्ट इज एक्सिलरेटिंग एक्सटिंक्शंस, सेकेंड इज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, थर्ड इज माउंटेन ग्लेशियर मेल्टिंग, फोर्थ इज स्पेस डेब्रिस, फिफ्थ इज अनबियरेबल हीट एंड सिक्स्थ इज एन अनइंश्योरेबल फ्यूचर। या फिर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, क्योंकि एक हिंट तो आपको पता ही चल गई है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि किसकी रिपोर्ट है। ठीक है, दूसरा आप देखिए कि ये सही है कि नहीं। 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, क्योंकि ऑप्शंस बहुत लंबे हैं और क्वेश्चन भी लंबा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस बोथ ए एंड बी। ओके, मींस बोथ द पॉइंट्स। ऑप्शन ए मींस इट इज पब्लिश्ड बाय UNEHS means United Nations Institute for Environment and Human Security, ठीक है? And second option is also correct, means there are 6 environmental tipping points on which it observes and publish its reports, ठीक है? तो इस रिपोर्ट में पाया क्या गया है? देखिए, ये तो इसके मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह और सारे रिपोर्ट्स में हम इंडिकेटर्स वर्ड्स यूज करते हैं, इसमें यहाँ पे टिपिंग पॉइंट्स यूज किया गया है। टिपिंग पॉइंट्स वो, क्योंकि ये बात हो रही है यहाँ पे वाटर की, ठीक है, वाटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि टिपिंग पॉइंट का मतलब कि सपोज ये हमारा ग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर है। यहाँ तक अगर हम कुछ भी मतलब खोदे या कुछ भी करें तो हम यहाँ तक पानी जो है पा सकते हैं, लेकिन एक लेवल आएगा जब ये अंडरग्राउंड वाटर जो है ना और डिप्लीट हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, जिसके बाद ये अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी हमें हमारे लिए नहीं हो पाएगी पॉसिबल। तो इसी कंडीशन को फिर कहते हैं टिपिंग पॉइंट, ठीक है, कि जिसके बाद मतलब एक लेवल के बाद जब वाटर अवेलेबल ही नहीं होगा, उसको हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट। ओके, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्ल्ड की 31 मेजर एक्वीफर्स में, कितने में, 31 मेजर एक्वीफर्स में 27 जो हैं एक्वीफर्स, ठीक है, दे आर डिप्लीटिंग फास्टर देन दे कैन रिप्लेनिश, मींस कि उनका जो पानी है वो जल्दी खत्म हो रहा है। सपोज बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश में पानी भर जाता है, लेकिन ये पानी जितनी जल्दी भर रहा है उतनी उससे कहीं ज्यादा जल्दी ये पानी खत्म हो रहा है। ये बात बोली गई है कि 31 मेजर एक्वीफर्स में से वर्ल्ड के 27 जो एक्वीफर्स हैं, दे आर डिप्लीटिंग फास्टर देन दे कैन रिप्लेनिश, ठीक है। उसके अलावा और भी बातें मैं आपको बता दूं इस रिपोर्ट की, कि पंजाब के जो वेल्स हैं, मतलब कुएं, ठीक है, वेल्स यानी कुएं, ठीक है, आपको पता ही होगा, पंजाब के जो वेल्स हैं उनके 78% जो वेल्स हैं, मतलब पंजाब के टोटल 78% जो कुएं हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। और इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि बाय 2025
ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट रीजन इंडिया का, वो क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी को फेस करने वाला है। ठीक है, कौन सा रीजन? नॉर्थ वेस्ट रीजन, जिसका आपको पता ही है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और 78% जब कुएं सूख गए हैं, ओवर एक्सप्लॉइट हो गए हैं पंजाब के, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बाई 2025 यहाँ पे ग्राउंड वाटर की कितनी कमी हो जाएगी, पानी की कितनी कमी हो जाएगी। ठीक है, इस बारे में इस रिपोर्ट ने सारी चीजें बताई हैं। ओके, चले अब हम आगे बढ़ते हैं। पीएम टू डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यूली इंडक्टेड रिक्रूट्स अंडर ऑप्शन ए रोजगार मेला, ऑप्शन बी अग्निपथ स्कीम, ऑप्शन सी ओनली वन करेक्ट, या फिर ऑप्शन डी ओनली टू करेक्ट। सी, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 2022 में, 21 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 22 में पूछे गए थे, ठीक है, यूपीएससी द्वारा, कि ओनली वन ओनली टू, पहले आता था बोथ ए एंड बी, ठीक है, इस बार भी आया है, लेकिन ये भी ऑप्शन इंक्लूड किए गए हैं। ओके, इसलिए आपकी प्रैक्टिस में हर तरीके से करवा दे रही हूँ कि जैसे भी क्वेश्चन आए, जिस भी पैटर्न में आए, जो भी फॉर्मेट में आए, आप उसको कर सको। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, रोजगार मेला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स। मोर देन 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स, या अपॉइंटमेंट लेटर्स से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट को और मतलब बढ़ाया जा रहा है। आपको पता है कि कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस टाइम इंडिया में। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया जा रहा है अब यहाँ पे। और इसके बारे में थोड़ा मैं और बता दूँ कि जो न्यूली इंडक्टेड अपॉइंटीज हैं, वो कर्मयोगी प्रारंभ के थ्रू, इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, उस पे 750 ई लर्निंग कोर्सेज हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू वो अपने नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी स्किल को और इन्हेंस कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम बोले तो अपने आप को बहुत अच्छे से और अच्छे से मतलब ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, देन रोजगार मेला, रोजगार इसका मतलब ही है कि एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रोजगार मेला मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, एक तरह से ये कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, केमिकल, अगर हम बोले केमिकल टर्म्स में, केमिस्ट्री में जो होता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की गई है कि रोजगार मेला इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ फॉर देयर एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। ओके, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए मैं आपको लिख भी देती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि कर्मयोगी प्रारंभ का जो पोर्टल है, आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल, उस पे कितने कोर्सेज हैं, वो हैं 750 ई लर्निंग कोर्सेज, जिसके थ्रू ये अपने आप को और अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं जो न्यूली अपॉइंटेड ट्रेनीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन्फेंट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपके ऑप्शंस हैं 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, या फिर 25 अक्टूबर। सो इन्फेंट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 अक्टूबर। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्मी, इन्फेंट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 अक्टूबर। नेक्स्ट है हमारा, सी अब मैं आपको इसमें टाइम दूंगी। ठीक है, अब आपको भी इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट मतलब पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज कोलैबोरेटेड विथ विच अनदर मिनिस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, मींस मिनिस्ट्री ऑफ कोल कौन सी दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलिए, मैंने आपको बोला था मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं, अगर गलत भी है तो कोई बात नहीं, आपको आज से ही पता चल जाएगा, है ना। बिल्कुल भी यार परेशान मत हो, उदास नहीं हो कि अगर गलत हो गया आंसर, या होता रहता है। ठीक है,
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर प्रमोशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बातें कही गई हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो CPSEs हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है, ये बात बोली गई है कि दे विल क्रिएट अ जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल का क्या है एम कि बाई 2030 इतना जो है मतलब एनर्जी जनरेट कर लेना है। जनरेशन कैपेसिटी मीन्स यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी जनरेशन की, ओके, इतना एनर्जी जनरेट करना है। देन कोल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैव इंस्टॉल्ड ओवर 1600 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, मतलब कि अभी तक अगर हम देखें तो PSUs ने, कोल के PSUs ने 1600 मेगावाट सोलर एनर्जी जो है उसको जनरेट कर ली है और अभी बाकी 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी अंडर वर्क है, मतलब अभी भी वो काम पे हैं, अभी काम चल रहा है उनका। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मिनिस्टर ऑफ कोल, सी दो मिनिस्ट्री हैं तो आपको इनके हेड का भी नाम पता होना चाहिए, हेड मीन्स मिनिस्टर कौन है इन दोनों के। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ कोल कौन है, तो वो है श्री प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ कोल हैं ये। और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? वो है आर के सिंह जी। ठीक है, कौन है? आर के सिंह जी, ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड बाय बिडर्स थ्रू ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक फ्रॉम 1st नवंबर 2023? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 100 मेट्रिक टन, ऑप्शन बी 200 मेट्रिक टन, ऑप्शन सी 300 मेट्रिक टन या फिर ऑप्शन डी 350 मेट्रिक टन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 200 मेट्रिक टन। ठीक है, पहले 100 था, अब इसको बढ़ा के 200 कर दिया गया है। ठीक है, सी हमारे लिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वन डे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, व्हाट इज दिस स्कीम ऑल अबाउट। तो चलिए अब इस स्कीम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स OMSS means Open Market Sale Scheme, okay? ये क्या है? It is a program of Food Corporation of India. ठीक है, ये Food Corporation of India का initiative, आप बोल सकते हो कि ये initiative है या फिर program है, where FCI sells surplus food grains, especially wheat and rice. Very very important, these two crops, especially wheat and rice, time to time at predetermined prices through an e-auction in the open market. Means कि जब surplus amount में wheat और rice होते हैं ना, see बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग रखे रखे गोदाउन में रखा रखा वो बर्बाद हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि time to time पे जो surplus amount होता है food grains का, especially wheat और rice का, उसका एक मतलब price पहले ही fix कर दिया जाता है और फिर उसका open market में e-auction कर दिया जाता है। e-auction means ये platform है, ये online platform है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे कि इनको बेचा जाता है। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। ओके, ऑक्शन इज कंडक्टेड वीकली बाय FCI टू एनहेंस द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। ऑक्शन ये कौन कंडक्ट करता है? वो करता है FCI। ठीक है, ऑक्शन इज डन ऑन पोर्टल। सी मैंने बोला था ई ऑक्शन मीन्स जहां पे भी आए डेट मीन इट्स रिलेटेड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे इसका ऑप्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न अबाउट दिस पोर्टल। पोर्टल नेम इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NCDEX या फिर NCDX। ठीक है, NCDX, जो भी आप बोलना चाहो, जिस भी वे में आप याद कर सको, क्योंकि आपको बस याद करना है। ठीक है, इसमें ये नहीं है एक, मतलब आप थोड़ा फनी वे में अगर पढ़ाई करोगे या फिर ऐसे याद करोगे ना कि चीज़ें याद हो जाएं तो अच्छा रहेगा,
वरना NCDEX तो ऐसा भूल जाओगे, NCDEX कर दो जैसा आयोटेक्स होता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6th इंडियन कोस्ट गार्ड सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स कॉन्क्लेव विथ थीम, सी थीम इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, टूवर्ड्स एन इंक्लूसिव अप्रोच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन, आपके ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? न्यू दिल्ली में, और कब किया गया था, कौन सी डेट को? तो है 26 to 27 अक्टूबर। ओके, 26 to 27 अक्टूबर। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया है आईसीजी के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल जी ने। ठीक है, किसने? राकेश पाल जी ने। और ये कौन है? वो है इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल। ओके, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशंस एशिया इन सिंगापुर? और आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? चलिए मैं आपको इसमें 2 सेकंड का टाइम दे रही हूं, आप सोचो और तुरंत बताओ। सी 2 सेकंड को ज्यादा ही छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने लंबा दे दिया। ये इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन है, ट्रेवल मीन्स टूरिज्म होगा यहाँ पे, है ना? तो ट्रेवल का मतलब ही है कि टूर करना, घूमना, ये सब बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सी ये जो वर्ड है ना, इसको आप ब्रेक करके भी अपना आंसर सही मार्क कर सकते हो, इन केस यू आर नॉट नोइंग द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इनक्रेडिबल इंडिया, विजिट इंडिया ईयर 2023। ठीक है, क्या है इस बार की ये थीम इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन एशिया इन सिंगापुर की? वो है इनक्रेडिबल इंडिया, विजिट इंडिया ईयर 2023। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ? सिंगापुर में। तो सिंगापुर में हो रहा है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के भी बारे में हम जान लेते हैं कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सो ही इज ली, LEE है, ली जाइन लूंग। कौन? ली जाइन लूंग, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड मोर देन 4 to 5 times, पर्टिकुलरली इन UPSC। सो इट्स सिम्बेक्स। विच एक्सरसाइज? इट्स सिम्बेक्स। ओके, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, कि इंडिया और इंडिया मतलब इंडिया की जो नेवी है वो किसी भी कंट्री के साथ जो एक्सरसाइज करती है वो सिम्बेक्स सबसे बड़ी है उसमें, मतलब सब अगर हम बोले तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस नेवल एक्सरसाइज है इंडिया की तरफ से, जो कि इंडिया किसी भी कंट्री के साथ करती है। तो सबसे ज्यादा टाइम से किसके साथ कर रही? सिंगापुर के साथ। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिम्बेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट स्टाफ मस्ट गेट एसेंट प्रायर टू द सेकेंड मैरिज इवन इफ रिलीजन अलाउज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ये स्टेट स्पेसिफिक तो है ही इंपॉर्टेंट, प्लस ये आपके एथिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है पॉइंट, और ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस और भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी असम। ठीक है, असम गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो भी गवर्नमेंट स्टाफ है असम का, दे मस्ट गेट एसेंट प्रायर टू सेकेंड मैरिज, मतलब सेकेंड मैरिज करने से पहले उनको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी दूसरी शादी करने के लिए, भले वो किसी भी रिलीजन को, भले ही उनका रिलीजन वो अलाउ करता हो कि आप दूसरी शादी कर सकते हो एंड इट्स लीगल, फिर भी उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। और ये कौन सी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? तो वो है असम। ठीक है, असम ने किया है, तो असम के CM कौन है? तो वो है हिमंता बिस्वा शर्मा जी। कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा।
और अभी रिसेंटली जो चोकुवा राइस है, जिसको कि मैजिक राइस भी कहते हैं, ये असम का है। इसको रिसेंटली GI टैग मिला है और असम ने अभी अनाउंस किया था कुछ दिनों पहले ही कि देयर एम इज टू एंड पॉलीगेमी। ठीक है, कौन से गवर्नमेंट ने बोला था कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो पॉलीगेमी को एंड करेंगे, तो वो है असम गवर्नमेंट। ठीक है, और असम गवर्नमेंट में प्लास्टिक वाटर बॉटल को बैन कर दिया है। किसको बैन किया है? प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स असम से रिलेटेड जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, विच इज़ वेरी फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। ओके, और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, और इसकी जो मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क की जो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर है, उनका क्या नाम है? वो है सोनाली घोष जी। कौन? डॉक्टर सोनाली घोष। ओके, ये करंट इवेंट्स हैं जो कि असम में अभी हुए थे, वो सारी चीजें मैं बता रही हूँ। व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड सीड एक्सपोर्ट? और आपके ऑप्शंस हैं 0.6%, 6%, 0.7% या फिर 7%। तो दोस्तों, जिस तक कि आपको पता है कि नेशनल सिंपोजियम ऑन प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड एंड ट्रेडिशनल सीड जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ, और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इसको ऑर्गेनाइज किया था BBSSL द्वारा। किसके द्वारा या फिर किसके थ्रू? बाय BBSSL द्वारा। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में पहले जो भी करंट अफेयर आई थी उसके बारे में मैंने बताया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, कि नेशनल सिंपोजियम ऑन प्रोडक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड एंड ट्रेडिशनल सीड। ठीक है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो यहाँ पे अमित शाह जी जो हैं उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो शेयर है इन वर्ल्ड सीड एक्सपोर्ट वो 0.6% है। कितना है? 0.6% है। और इसको अब इनहेंस करने की बात की जा रही है, मतलब इस परसेंटेज को इंक्रीज करने की बात की जा रही है इस नेशनल सिंपोजियम में। ठीक है, ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। इसमें सबसे पहला है, क्लॉस गोएश हैज बीन अपॉइंटेड एज द COO एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एयर इंडिया। ठीक है, मीन्स एयर इंडिया के COO, COO मीन्स चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। ठीक है, COO मीन्स चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। ओके, एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं क्लॉस गोएश जी। देन टाटा ग्रुप विल मैन्युफैक्चर iPhones इन इंडिया फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, ठीक है, चंद्रशेखर जी, उन्होंने बोला है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो टाटा ग्रुप है नाउ इट विल मैन्युफैक्चर iPhones इन इंडिया। ठीक है, ये iPhone जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। मणिपुर एजुकेशन मिनिस्टर बसंता कुमार सिंह हैज सेड दैट 98% ऑफ डिस्प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड विथ फ्री एडमिशन्स। जिस तरह आपको पता है कि मणिपुर में जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा वायलेंस हुआ है, ये तो पूरा वर्ल्ड देखा, ये नेशनल न्यूज़ नहीं बल्कि ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है। इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी मतलब दूसरी कंट्रीज ने किया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जिसकी वजह से डिस्प्लेस हो गए थे। तो अभी क्या है कि जो वहाँ के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं बसंता कुमार सिंह, उन्होंने बताया है कि जो भी बच्चे मतलब डिस्प्लेस हुए हैं उनके 98% वो जो स्टूडेंट्स हैं मतलब 98% जो डिस्प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एडमिशन दिया गया है। ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया हैज एड्रेस्ड सेंटिनरी बर्थ ईयर सेलिब्रेशंस ऑफ लेट श्री अरविंद भाई मफत लाल इन चित्रकूट मध्य प्रदेश। ठीक है, सेंटिनरी मीन्स 100th शताब्दी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी? श्री अरविंद भाई मफत लाल की। ठीक है, किसकी? श्री अरविंद भाई मफत लाल की। ओके, थर्ड एम्यूनेशन कम टॉर्बिडो कम मिसाइल फुल फॉर्म इज दिस ACTCM।
ठीक है, एम्यूनेशन कम, टॉर्पिडो कम, मिसाइल बार्ज, LSAM-17, Yard-127 हैज बीन लॉन्च्ड बाय दिस ऑन 27th October 2023 एट MS सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाने। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CDS एंड NDA कैंडिडेट्स। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन CDS और NDA में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विल होल्ड अ डे लॉन्ग फंक्शन इन ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ मार्टायर्स ऑन 28th October 2023 एट नेशनल पुलिस मेमोरियल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इज नेशनल पुलिस मेमोरियल लोकेटेड? सो इट्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे फैक्ट में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वेयर इज दिस लोकेटेड? सो इट्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। एंड RPF मीन्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, ये क्या करेगा कि एक दिन का पूरा फंक्शन रखेगा इन द मेमोरी ऑफ मार्टायर्स ऑन 28th October। ठीक है, एक तरह से हम बोले तो ट्रिब्यूट दे रहा है RPF। देन RBI हैज प्रपोज टू बार रिकवरी एजेंट्स फ्रॉम कॉलिंग बोरोवर्स फ्रॉम बिफोर 8 AM आफ्टर 7 PM। सी, इसमें क्या होता है कि जो भी मतलब किसी ने पैसे लिए हैं, ठीक है, लोन लिया है, बोरोवर्स जो हैं, ठीक है, उनको क्या है कि पहले कभी भी कॉल आ जाता था, किसी भी टाइम कॉल आ जाता था, कोई ये नहीं देखा जाता था कि मॉर्निंग है कि नाइट है, कभी भी कॉल आता था। तो अब RBI ने वही बोला है, मतलब प्रपोज किया है, अभी ये फाइनल नहीं है, इट हैज प्रपोज्ड। ठीक है, तो RBI ने ये प्रपोज किया है कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जो बोरोवर्स हैं उनको सुबह 8 बजे से पहले फोन नहीं कर सकते हैं, ना ही शाम को 7 बजे के बाद फोन कर सकते हैं। मीन्स अगर उनको फोन करना है रिकवरी एजेंट्स को, अपने बोरोवर्स को, तो वो सुबह के 8 बजे से 7 बजे, शाम के 7 बजे के बीच में फोन करेंगे। ठीक है, ऐसा RBI ने प्रपोज किया है। नेक्स्ट है हमारा बेगम मुनावर उल निसा, द लास्ट बेगम ऑफ मलेर कोठला पासिस अवे एट 100। ये हैं वो, इनकी आप इमेज देखें, इनकी अभी डेथ हो गई है, 100 ईयर्स की थी ये। और ये कौन थी? ये लास्ट बेगम थी मलेर कोठला की। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था बेगम मुनव्वर उल निसा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरिकेन ओटिस हैज हिट मैक्सिको। ठीक है, सी, इस हरिकेन ने मैक्सिको को कुछ दिनों पहले ही हिट किया था, लेकिन अभी मैंने इसको न्यूज में इसलिए रखा है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि कभी हम साइक्लोन बोलते हैं, कभी हम हरिकेन कहते हैं, कभी हम विली विली कहते हैं, कभी हम टाइफून कहते हैं, तो ये नाम ऐसे क्यों है? कौन से रीजन में हरिकेन बोला जाता है, कौन से रीजन में टाइफून बोला जाता है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये है, हरिकेन कहाँ बोला जाता है? तो नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक में, मीन्स जो कैरेबियन सी वाला एरिया है ना, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो भी कंट्रीज हैं वहाँ पे हरिकेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरिकेन्स, नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक में। टाइफून्स कहाँ बोला जाता है? साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में, जिस तरह की जापान वगैरह हैं वहाँ पे इसको टाइफून बोला जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ बोला जाता है? तो है साउथ वेस्ट पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन, मतलब जिस तरह इंडिया में हम बोलते हैं ना कि साइक्लोन है ये, ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोन वर्ड यूज किया जाता है। और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली वर्ड यूज किया जाता है। क्या बोला जाता है? विली विलीज। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आप PDF अगर डाउनलोड करते हो ना तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सारी स्कीम्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आपको PDF में सारी चीजें लिख के देती हूँ, सो डैट आपको कहीं से भी नोट्स जो है गैदर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, जिससे अभी आपने हरिकेन के बारे में बोला, मतलब पढ़ा, अब आपको याद आएगा कि यार यहाँ पे तो हरिकेन है, कभी कभी हम साइक्लोन सुनते हैं, वो कहाँ बोला जाता है, कौन सी कंट्री में बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आप पेजेस पलटोगे या फिर तुरंत फोन उठाओगे और गूगल करोगे। ठीक है, गूगल ढूंढते रह जाओगे, इससे अच्छा है कि आप ये देखो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
उसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने लेक्चर के लास्ट में प्रोवाइड की हुई है, तो ये है वो लिंक। इस पर आप क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।